आपको एक बार एहसास जरूर कराएगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इस बाइबल में जो लिखा है, यह भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें सब लिखा है कि पहले क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो दृष्टांतों में, उदाहरणों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को समझाया। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, मैं सही प्लेस पर आया हूं कि नहीं मुझे बता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में कार्य कर, सत्य मार्ग और जीवन तू ही है परमेश्वर, मुझे उद्धार करता तेरी जरूरत है, मुझे संसार के पीछे नहीं चलना परमेश्वर, मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरी महिमा करना है परमेश्वर। आज आपके मुंह के शब्द आपको बड़ी आशीष दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो ब्लेसिंग दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आपकी होगी चर्च, आमीन बोलने वालों की। चोर से तारीफ करो आमीन बोलकर आज। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, 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 अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर के लिए। कदे हो वन ना देवे तेरी हानी खुदा, कदे हो वन ना देवे तेरी हानी खुदा, तू है मेरा तेरा इंतजामी खुदा, है तेरा ते मेरा इंतजामी खुदा, 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 कदे घोवर ना देवे तेरी हानी खुदा, कदे घोवर ना देवे तेरी हानी खुदा, है तेरा ते मेरा इंतजामी 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 खुदा, 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 अपने हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए कदे गोवर ना देवे तेरी हानी खुदा, कदे गोवर ना देवे तेरी हानी खुदा, कदे गोवर ना देवे तेरी हानी खुदा, है तेरा ते मेरा इंतजामी 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 खुदा, 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 इंतजामी
इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, कदे गोवर ना देवे तेरी वाणी खुदा, कदे गोवर ना देवे तेरी वाणी खुदा, है तेरा ते मेरा इंतजामी 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 खुदा, 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 जोर से हम तारीफ करेंगे परमेश्वर की। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, 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 खुदा रहा गए सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, ग्लोरी जीसस, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, 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 ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, करदा भला अपने लोकां दे नाल, करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, करदा भला अपने लोकां दे
ओदा वखरा आंदा जी सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा बादशाह ओ करदा भला अपने लोका दे नाल ओ करदा भला अपने लोका दे नाल सुनो वो कहां गए अशोक इसको लेके आ वो आज उसको लेके आ लड़की को छोटी बच्ची को उस क्या नाम उसका जोना का भी जन्मदिन है ले आज को दौड़ के चलो भैया चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू जो ना ये रहा तेरा केक कटवाज का चलो शाबाश हैप्पी बर्थडे टू यू एरिका और जोना का इकट्ठे आज शाबाश चलो चलो बेटे रुको पहले इधर भैया को खिलाओ लो मुख लो अब इधर खिलाओ चलो खाओ ईश्वर की आशीष दया की बारिश बहती रहे आजो सब लोग बैठ जाएं शाबाश सब लोग बैठ जाएं नीचे परमेश्वर आशीष दे ओ कहां लेके जा रहे थे भैया चलो थैंक यू एरिक लो बटे को लो ये करो मेरा इतना खिला इसको बादशाह हैप्पी बर्थडे करदा भला सदा यस भैया को खिलाओ भैया को खिलाओ चलो खाओ ले ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह बोलो यीशु मसीह की अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से ताड़ी बजा के कितने लोग खुश नहीं है ये राकेश हाथ उठा रहे उधरों जो खुश हैं एक बार स्माइल दो शाबाश आज फिर कह रहा हूं मैं आपको जिसकी स्माइल खोगी है ये जन्मदिन के दिन चाहे आपके बच्चे हो चाहे आपका जन्मदिन हो चाहे आपके ऊपर कैसा भी संकट हो लेकिन उस दिन खुदावन आपकी स्माइल को जरूर देखेगा yes. तो आपकी स्माइल परमेश्वर इस जन्मदिन पर आपको वापस लुटाएगा इस समस्या के नाम में हो सकता है आप समस्या में हो कोई जन लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है आपको आशीर्वाद देना चाहता है अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करें शाबाश और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे इस समस्या के नाम में गवाही के साथ हालेलुया हां जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये मैंने अपनी गवाही देने के लिए स्पेशल हांगकांग से आए हैं बता रहे इनका बेटा यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहा था बता रहे रिफ्यूजल आया स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवा कर गए आपने बोला जाओगे गुड न्यूज आएगी रिसीव किया परमेश्वर यूके वीजा के साथ ब्लेस किया ओ दाऊद वांगू जी नच नच के दाऊद वांगू जी नच नच के बोलो यीशु मसीह की देखो आपके सामने के स्पेशल इन्होंने ले हैंड प्रे कराया और इनका बेटे को ब्लेसिंग मिला यूके की हाँ बताएंगे शाबाश जय मसीह की पापा जी सारे कलेशा को जय मसीह की मैं काफ़ी टाइम से मेरे बेटे के लिए वीज़ा ट्राई कर रही थी तो आज मेरे बेटे की स्पेशल लेहन किए थे पापा जी से और पापा जी ने
बोला था जहाँ आपकी वीजा बेटे की वीजा हो जाएगी तो आज मैं गवाही देने के लिए आई है और मेरा आज बेटा यूके चला गया है, आज सुबह के फ्लाइट से चला गया है। हालेलुया। ओ दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच नच के, दाऊद वांगू जी नच। हालेलुया। चलो आ जाओ भैया एरिक, एकता आ जा। चलो लीशा लो भाई, आज दो सबको, निशा दो, फिर से गए, फिर से गए, फिर से गए। तो वांगू जी शाबाश शाबाश। यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया झूमूंगा। मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इससे पता क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे कभी किसी को, ए चुप दो मिनट, छोटे बच्चे कभी किसी को अपना चिप्स देते नहीं है और अब इसको आदत पड़ गई है, ये अपने बर्थडे पर ऐसे ही दान किया करेगा, बांटा करेगा, ऐसे गिफ्ट बांटा करेगा, बांटेंगे ना बेटे। हाँ ये? इसे देखा, बड़ा गिफ्ट है। सारे बोलो हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह। हाँ, गवाही के साथ हालेलुया। प्रवृत्ति बहन बता रहे 15 साल से बेटा नहीं था, चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच भंगेड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच भंगेड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच भंगेड़े भी पाया करो, सुनाम विच भंगेड़े भी पाया करो। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? यूपी से आए। पापा जी की जय मसीह की, सभी कलीसिया की जय मसीह की। हाँ हाँ। 15 साल से मेरा लड़का नहीं था, हर जगह इलाज करवाई, मुझे कहीं से भी नहीं हुआ, स्पेशल ले हैंड करवाई, पापा जी बोला गुड न्यूज मिल गई तुझे, घर जा, मेरा बेटे के साथ। आप सुन रहे हैं, ये बता रही है कि 15 साल से इसके पास बेटा नहीं था, डब्बी बना जरा, 15 साल से बेटा नहीं था और ये बोल रही है कि मैंने सारी जगह इलाज कराया। इधर आओ शाबाश। अगले क्या, कहाँ कहाँ इलाज कराया आपने, धाड़ा लगवाया, चिमटा लगवाया? हाँ, भक्तों पे भी गई, बिहार में भी गई, बस बस बस, जहाँ भी गए, माइक में बोलना, सारी जगह गई, बोलती आराम नहीं मिला, कहीं से आराम नहीं हुआ, स्पेशल ले एंड प्रे कराया यहाँ पर। और ये बता रही है कि इसको मैंने कहा था कि जहाँ तुझे गुड न्यूज मिल गई है और आज गुड न्यूज के साथ आई है, बेटे के साथ आई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है, कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है, जेड़े करदे विरोध यीशु नाम वाले दा, जेड़े करदे विरोध यीशु नाम वाले दा, यीशु उन्हां दे मनां नूं भी खोलदा है। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है, सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा साडा, यीशु बोलदा है। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रही है कि एक साल से इसकी लेफ्ट किडनी में पथरी थी और जब ये ऑनलाइन चर्च में बैठे हुए थे, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, विश्वास के साथ एनेंडिंग ऑयल वाटर यूज किया और ये बता रहे हैं इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, आजाद हो चुके हैं। वो मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, बताएं बेटे शामज, कहाँ से आए? जय मसीह की। पापा जी, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं झारखंड से आई हूँ, मेरा नाम करिश्मा कुजूर है। करिश्मा कपूर। पापा जी, मेरे लेफ्ट किडनी में 5 mm की पथरी हो गई थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये पथरी निकल जाएगी पर बहुत दर्द होगा, तो फिर
मेरी मम्मी ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव की और 3 दिन बाद मेरा पथरी निकल गया। हालेलुया। ओ मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। सुनना आपको ये परमेश्वर है। देखो आप सुन रहे थे, पथरियां जा रही हैं, लोगों के वीजे आ रहे हैं, गुड न्यूज मिल रही है और आपके सामने बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, टेस्टमनी आ रही है। ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो। हां जी जी, गवाही के साथ नेक्स्ट। फटाफट जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। आने दे, खड़े कर दे सबको। हां हां, बहुत ही अद्भुत गवाही है। कहां से आए हैं? बता रहे की नेपाल से आए हैं और लास्ट ईयर ये चर्च में आए थे। आपने प्रोफेसी किया था कि जैसे ही आप घर जाओगे 10 दिन के अंदर परमेश्वर एक बड़ी गुड न्यूज देने वाला है। हाँ। और स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई। हाँ। आपने बोला था वीजा रुका है, आने वाला है। रिसीव किया परमेश्वर के बेटे को यूरोप के वीजा के साथ प्लेस किया। वो तिता जो आनंद ये सुने जावे ना किसे तो खोया। आरी 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 यसूदिया 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 लोकानी बस यसु मसीह नाल यारी। यसूदिया लोकानी बस यसु मसीह नाल यारी। बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर आपके सामने, देखो आप बताएंगे बेटे शाबाश। हाँ कान सब। पापा जी को जय मसीह। मैं नेपाल नेपाल से आई हूँ। मैं बहुत तंग हो गई थी, मैं एकदम थक गई थी, जहाँ जाके ठकर खा गई थी। जब मैं YouTube में लॉकडाउन से पापा जी को लाइव देखती हूँ, फर्स्ट बार 23 जुलाई को इधर फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने आई। जब यहाँ आती हूँ चर्च में पैर टेकती हूँ, पापा जी को देखती हूँ, फिर भी पापा जी ने मेरे खड़ा करके प्रोफेसी किया। तू एकदम बहुत पड़से से इतना ब्लेस हो गई। इतना एक साल में मेरा लड़का कहीं जाके पानी एकदम सीधा भेजा नहीं आया था। ब्रिटिश आर्मी ट्राई किया नहीं हुआ था, इंडियन आर्मी में ट्राई किया नहीं हुआ था, पुलिस से नेपाल आर्मी ऑफिसर में भी ट्राई किया नहीं था। IT पढ़ने की कोशिश किया था, इसमें पर असफल हुआ। फिर बहू के शादी करके फिर ऑस्ट्रेलिया के बहू को भेजा पानी रिफ्यूज हो गया। फिर मैं यहाँ आई स्पेशल लेहन करी पापा जी को चर्च में। इतना बेर से 10 दिन में पापा जी ने बोला था गुड न्यूज है, 10 दिन में मेरा बेटा और बहू और मेरा दामाद का यूरोप का भेजा आ गया। हालेलुया। ये सुनो करे ताए प्यार बंदिया और नच दो दुआ गुना रे ताड़ी पार बंदिया। नच दो दुआ गुना रे ताड़ी पार बंदिया। देखो आपके सामने नेपाल से, हांगकांग से लोग जगह जगह से यहाँ पर आकर ऐसे नहीं गवाहियां देते। कुछ है यहाँ पर, परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पर। आपको अपने विश्वास के साथ आना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? किसी की बातों में नहीं आना, आपको विश्वास में आना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। देखो बता रही है मैंने कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किया, कुछ नहीं बना। वीजा भी लगाया, फिर पुलिस में भी किया, भर्ती दिया, फौज में दिया, कुछ नहीं बना। जब प्रॉफिट ने भविष्यवाणी किया तो यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया और ब्लेसिंग दिया यीशु मसीह के नाम में। आज ये सच में आशीष के साथ है। मैं कह रहा हूँ जितनी नेपाल से बुराई होगी मेरी, उतनी नेपाल में आशीष आएंगी यीशु के नाम में। yes. याद रखना, जहाँ बुराई होती है, जहाँ पर करे के सताव आता है, वहीं पर बेदारी भी आती है यीशु के नाम में। बेदारी आएगी आपकी लाइफ में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कोई नया काम होने वाला है। आप आशीर्वाद देते ही नहीं किसी को, आपको देना सीखना आज से। आपको देना है, मैंने क्या कहा, आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा यीशु के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ, कनाडा ब्रांच दिखाएंगे फटाफट जल्दी से गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत गवाही। बीच में जोड़ते रहे कनाडा ब्रांच। हाँ हाँ, ये बता रहे हैं कि एक्सीडेंट के कारण भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया था और कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कोई उम्मीद नहीं है बचने की। बता रहे इनकी फैमिली विश्वास के साथ चर्च इनको लेकर आए, यहाँ पर इनकी स्पेशल बीज बोकर जैसे इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई। आपने बोला रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। बता रहे मैंने रिसीव किया और परमेश्वर नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है और आज ये भाई बिल्कुल चंगा हो चुका है। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई। हालेलुया। हां हां हां, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। हां
देखो इनकी रिपोर्टें देखो, शाबाश, वहीं रहे वहीं रहे वहीं रहे, क्या बात, आफत आ गई, इधर छोड़ दो। ये देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो को, फोटो को। हाँ, क्या क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, क्या बताया था डॉक्टर ने, नहीं बचेगा। पापा जी को जय मसीह की, सारी जोर से बोलो, जय मसीह की। ये इनका एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद ये डॉक्टर बोले कि अब मतलब कि होश नहीं आ रहा था, तो हम लोग बहुत परेशान थे, तो फिर हम लोग आके यहाँ पर ले हैंड प्रे करवाए, इसके बाद वहाँ गए तो फिर मेरे हस्बैंड एक महीने के अंदर में ठीक हो, डॉक्टर भी बोलने लगे कि अचंभू है कि आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो के यहाँ से जा रही हैं। ये देखो, ये देखो इसका सिर देखो, इधर से सारी जगह से इसकी शक्ल देखो, बचना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो होश नहीं आती, लेकिन प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैंने बताया लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गई थी, डॉक्टर ने बोला था कोई उम्मीद नहीं है और इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, बता रही स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई। हाँ। रिपोर्ट करवाई, परमेश्वर नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। मुक गई, मुक गई। देखो आपके सामने लड़की पर्चा से दागर। हाँ। बताओ शाबाश, क्या प्रॉब्लम था आपको? लीवर डैमेज हो गए थे पादरी साहब, और किडनी भी, और क्या कि पित्त में भी तकलीफ आ गए थे, बुखार भी हो गए थे, तो डॉक्टर दोनों सीरियस हो गए, एक है कि वहां ले जाकर डॉक्टर ही सीरियस हो गया, दोनों डॉक्टर एकदम बिल्कुल कहे नहीं, दोनों डॉक्टर सीरियस हो गए, भर्ती होना पड़ेगा आपको, जल्दी से रेफर करो। तो फिर हम बैठी रहे हम कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं डॉक्टर, जो दवाई देना दे दो। फिर वहां से स्पेशल प्रेयर कराई, तीसरे दिन मेरे स्पेशल प्रेयर कराई, नॉर्मल रिपोर्ट आई, नॉर्मल रिपोर्ट आई। आप देखो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसकी रिपोर्ट देख रहे हैं आप दोनों, रिपोर्ट आगे लिया थोड़ा और इसी समय आप देखो कि पहले वाली रिपोर्ट, अब वाली रिपोर्ट, और आपके सामने कि अब हुआ क्या है। रिपोर्टों में लीवर डैमेज बताया था और डॉक्टर, दो डॉक्टर सीरियस हो गए थे, दोनों डॉक्टरों को भर्ती होना पड़ेगा, शाम को भर्ती होना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बाद बता रहे जब उसने स्पेशल एंड प्रे कराया, आज कह रहे कि रिपोर्टें नॉर्मल है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके घर में कोई भी मैं बीमारी है, समस्या है, एक बार विश्वास करो, आ जाना न्यू चंडीगढ़ चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। देखो लाइन लगी हुई है, किसी को प्लॉट, किसी को बेटे की आशीष मिली 3 साल के बाद, स्पेशल लैंड प्रे कराया, एलर्जी से आजाद हो गए, स्पेशल लैंड प्रे कराया, यूके की पीआर के साथ ब्लेस जी, तुम्हारा भैया, अरे कमाल हो गया। देखो हाँ बताओ बताओ शाम गवाई की सब स्पेशल प्ले है, बताओ सब लोगों को बताओ, अरे लोगों को बताओ, सारे कलेसियों जय मसीह की, पापा से बोलो की, हमने स्पेशल प्ले हैंड करवाया था और हमारे भैया को यूके का वीजा मिल गया, यूके का वीजा मिल गया, वहाँ पे लिखा है पीआर मिल गया जी, पीआर। अरे पता है आपको यूके में पीआर जल्दी से मिलती नहीं है, कितनी बड़ी गवाही तूने छुपा रखी है, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो हर व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद असंभव को भी संभव करता है परमेश्वर। जो लोग बोलते हैं लैंड के बारे में आपके सामने, स्पेशल लैंड प्रे कराने वाले लोग आशीष में आ रहे हैं, रोज गवाहियां दे रहे हैं, किसी के हाथ में 58,000 रुपये की मिराकल मनी हुआ, इसके साथ ही मिराकल मनी, फिट्स पढ़ते थे बच्चे को कई साल से, कितने फिट्स पढ़ते थे, एक महीने में 3 बार। हाँ? और आप लाइव प्रार्थना कर रहे थे। हाँ? मैंने रिसीव किया, आपने मुझे बताया कि कोई बहन देख रही है, मैं रो रो के प्रार्थना कर रही थी पास्टर साहब। हाँ? और मेरी लड़की को जब भी आपने प्रार्थना की और ये चंगी हो गई, जब से दौरे नहीं पड़े, ऑनलाइन रिसीव कर रही थी ये बहन, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूँ किसी के बच्चों को दौरे पड़ते हैं तो बंद हो जाए यीशु के नाम में, कोई किसी के दिल में सुराख है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऑनलाइन देख रहे, और इसी समय परमेश्वर उस सुराख को बंद कर रहे बच्चे के यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। देख रहे हैं गुप्त प्रॉब्लम थी, आजाद होगी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, टीवी की प्रॉब्लम, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, स्पेशल लैंड प्रे कराया, आजाद हो गए, स्पेशल लैंड प्रे कराया, घुटने का दर्द गया, रसोलियां गई, करेक्ट, और सर्जरी बताया था डॉक्टर ने, स्पेशल लैंड प्रे कराया, स्पेशल लैंड प्रे कराया, आजाद हो गए। बच्चा छोड़ दे, बच्चा बच्चे पकड़ ले जल्दी से। Hallelujah!
कौन का? कौन है? थैंक यू जीसस. कौन डब्बी बना? कहाँ पर है? थैंक यू लॉर्ड. आप सुन रहे हो? आज तक जब भी मैंने किसी से पूछा उसने कहा यहाँ खड़ा है. किसी ने कहा यहाँ खड़ा है. ये मेरी 17 साल की सेवकाई में पहला बंदा है कहता है यहाँ खड़ा है. Yes, hallelujah. सुन रहे हैं? कहाँ है यीशु? जोर से तारीफ करो, जोर से. जब भी आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा. जब भी आत्मा प्रभु का मंडल. सुनो, इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल मैं किसी को नहीं दे सकता. जो बाइबल पढ़ते हैं और नाटक करते हैं वो बेकार है. फिर सब कुछ व्यर्थ है. वो सब कुछ जिनको अभी तक समझ में भी नहीं आया. दुष्ट आत्माएं दूर से यीशु को देख लिया करती थी, चिल्लाने लगती थी. बोलो हालेलुया. मैंने कहा पता नहीं क्यों चिल्ला रही है. अपने हाथों को उठाऊं? शाबाश. किसी को बाइक की आशीष मिला, कोर्ट केस से आजाद हो गया, प्रे टावर पर फोन कराया, गाड़ी की आशीष मिला, गिल्टियां गई, रसोलियां गई और ट्यूमर से आजाद हुए, ऑटो लिया, प्लॉट लिया, घर की आशीष मिली, एलर्जी गई, गुप्त प्रॉब्लम, बच्चे की आशीष, पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम. तो पता नहीं बड़ी गवाही कहां, छोटी गवाही कहां. हां, बवासीर कब से था आपको? 20 साल से. और बवासीर वाली आगे लेके आज को. हां, 20 साल से. कैसे ठीक हुए आप? मैं पहली बार आया. मैं आपको पहली बार आए, फोटो देखा. मैं फोटो से अंदर पैर रखते मैं चंगा हो गया हैं. आज तो टेस्टिमनी बहुत आ रही है, अद्भुत. क्या कह रही? कहती कि मैं पहली बार आई, 20 साल से पाइल्स था और जैसे ही मैंने फोटो देखा बाहर, कहते प्रॉफिट जी आपका, मैं वहीं चंगी होगी. हालेलुया, ये परमेश्वर है. हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? कब से था बवासीर? कब से था बवासीर? 20 साल से. और कैसे चंगे हुए? मैंने कैसे ठीक हुई? पिता का लहू लगाया, आराम हो गया. वो कहाँ से मिला लहू? यीशु का लहू लगाया, कह रही आराम हो गया, ओए लगाया, आजाद हो गई है. जोर से तारीफ करो. शाबाश. अपने सिर पे हाथ रखें. पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं इस समय. परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ स्वर्ग से इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में. आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में. रास्ते खुले और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में. आमीन. ब्लेसिंग मिले, फ्री हो जाए यीशु के नाम में. बोलो आमीन. आमीन. हाँ जी भाई साहब, इधर आओ. जोर से एक चक्कर लगा के दौड़ के जाइए. यूपी के दौड़ के जाइए. एक बार और उठ. यूपी के एक बार और उठ. चल एक बार और दौड़ के जाइए. चल तेरा भला हो जा. सारे बोले हालेलुया. पता है कौन निकल रहा है आप में से कौन? 2 साल से इसको कोई गवाही नहीं बनने देता, लेकिन बार बार कोशिश करके इस बार इसकी एलर्जी का ले आया. मैं इसकी गवाही कोई नहीं बनने दूंगा, ना आने दूंगा यहाँ पे. नहीं आने देगा? नहीं. अच्छा, तो ही लोगों को आने नहीं देता. कई बार अपने पड़ोसी को पूछो कितने संडे नहीं आया तू. प्रेटार पे फोन करके बाड़ा बनवा के निकलता है घर से. बाल बना के निकलता है? हाँ, कि रास्ते में कोई बाड़ा ब्रेक ना करे. अभी तू रोकेगा इसको? तो दौड़ के दिखा. चल चल दौड़ के यूपी के. हालेलुया. देख रहे हैं भाई साहब, आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं खत्म. क्यों मुझे बर्बाद कर रहे हैं? आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो खत्म यीशु मसीह के नाम में. मैं फिर कह रहा हूं कि अब अपने हाथों को उठा, बोलो जो मेरे रास्ते में रुकावटें इसी समय खत्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं, आजाद हो जाऊं. परमेश्वर, मैं खुल के काम करूं, मैं खुल कर तेरी सेवा करूं, मैं खुल कर बिजनेस करूं, मैं तेरी महिमा करूं, पढ़ने पाऊं, आशीष लेने पाऊं. पवित्र आत्मा, तेरे आशीर्वाद मेरे हाथों पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में. बोलो आमीन.
मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को, बोलो आज के दिन से यहोवा तुझे आशीष देता रहेगा। यूपी के अब तू ठीक हो गया। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता बड़ा सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता बड़ा सदा। ठीक है, सब बैठ जाएं, अपने स्थान पर जाएं, शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज वचन की आशीष लेना? याद रखना, अगर कोई अशुद्ध समझ रहा है अपने आप को, क्यों बुलाया जाता है आपको? कितने लोगों को पता है सातवें दिन क्यों बुलाया जाता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा, थोड़ा कुर्सी वहां से उठा मेरे पीछे से यार। यहोवा ने कहा भजन संहिता में कि मैं तो एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो केवल यहां की स्तुति करेगी और मैं उसी के होठों से अपना नाम कहलवाऊंगा। हालेलुया। आपके होठ शुद्ध नहीं है, याद रखना, आपका मन शुद्ध नहीं है। 6 दिन आपके होठ, आपका मन शुद्ध नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है जो लोगों से और बता रहा है उनको कि जो लोग बात नहीं कर रहे, लड़कियों सिर पे चढ़ गई हो तुम आज, आपके आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार आप बुराई करते हैं, गाली देते हैं, कोई ऐसी बात आपके घर से निकल जाती है, आपके मुंह से निकल जाती है, गुस्सा करते हैं, या फिर आपने फैसला लिया होगा कि मैं पान नहीं खाऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर गलती हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर कहते हैं ऐसे होठों से अपनी स्तुति तारीफ नहीं कराएगा। बोला हालेलुया। किसी ने कहा कि पाप कर लो और माफी मांग लो, अगले संडे फिर माफ कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कर तो देगा, लेकिन आसमान जब तक बंद रहेगा, जब तक करे आप सुधरेंगे नहीं। समझ रहे हैं? वो देखो एक आसमान खड़ा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं, आपको 6 दिन आप अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब खुलता है, तो उस समय जब वचन को सुनने वाले लोगों को परमेश्वर उनके होठों को शुद्ध करता है यीशु के नाम में। वचन सुनने के बाद आपका मन शुद्ध होता है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी आंखें, आपके देह, प्राण, आत्मा शुद्ध होती है। इसका मतलब जब आप वचन सुनने के लिए यहां पर आते हैं, तब आप शुद्ध होते हैं, और शुद्ध व्यक्ति के ऊपर मक्खी और कोई जादू टोना बैठ नहीं सकता, कोई शैतान चल नहीं सकता उसके ऊपर, कोई भी चीज उसके ऊपर ठहर नहीं सकती। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने यहां पर आए हैं आज कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, मैं उनके होठों को, उनके मन को शुद्ध करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आप तैयार हैं चर्च? आप तैयार हैं चर्च? यस। परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए कोई विश्वास करे ना करे, अपने पड़ोसी को बोलो मैं विश्वास कर चुका। बोलो 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 अपने पड़ोसी को, मैं विश्वास कर चुका। क्या विश्वास करते हो कि नहीं? जो विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है आज। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, जोर से। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई, वो इसी समय अपने हाथ में बीज पकड़ें, क्योंकि आपका बीज आपको शुद्ध करता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग कनाडा ब्रांच दिखाना, और उसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय बीज बो रहे हैं, जो लोग USA से, फिजी से, मेरे पिता परमेश्वर कनाडा से, कहीं से भी परमेश्वर इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय इंडिया के हर कोने से जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, बीज बो रहे हैं परमेश्वर, मैं इसी समय उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में आज से आशीषों को खोलता हूं, इनके ऊपर आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खोल दिए जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आशीषें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल जाए और बंधन टूट जाए, लोग बिल्कुल टोटल फ्री हो जाए आज रात यीशु के नाम में। मेरे प्रभु आज से इनका फाइनेंस बढ़े, इनके बच्चे तरक्की करें, जिन्होंने बीज बोया पवित्र आत्मा आज से इनके नुकसान होने बंद हो परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर अपने कामों में सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके लिए बड़े बड़े डोर खुले 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 खुले। जब तेरा वचन खुलता है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा प्रकाश खुलता है। और आज ही के दिन से मेरे पिता, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर
इस मिस्ट्री को आशीष दिया, उसके ऊपर आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आपने जब आशीष दिया, जब बीज बोया, आप जब यहाँ पर आए आपने आशीष दिया, आपके पैरों ने भी, आपके हाथों ने भी हमें आशीष दिया है। मैं उन लोगों को आज आशीर्वाद देता हूँ, आप इसी समय बढ़ते फूलते चले जाओ, 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाओ, आपका फाइनेंस बढ़े इस साल में, आप तरक्की करें इस साल में, आपके ऊपर मिराकल मनी वाला हाथ आए, लंबी आयु वाला हाथ आए, मेरे परमेश्वर का दाहिना बाईना हाथ आपके ऊपर आने पाए, और आप हर आशीष में डबल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा जी, आप इनकी जिंदगियों में कोई नया काम करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास में बढ़े, आशीष पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। फटाफट मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आज का वचन आपकी जिंदगियों में मिठास लेकर आएगा, जिसके जीवन में खटास है खत्म हो जाएगी, बस आपको खुश रहने। बोला हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा कि बहुत सारी बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है उसको बेटा होने के लिए जा रहा है, क्या आप रिसीव करते हैं इस बात पर? प्रभु ने मुझे बोला कोई प्रीति है यहाँ पर, प्रीति है कोई यहाँ पर, आप इतनी देर सोचते हैं पता नहीं क्या है, हाँ प्रीति है, बेटा नहीं उसके पास, चाहिए तो खड़ी हो जा। तो प्रीति बेटा नहीं है, हाँ वहीं पर रहो शाबाश, कोई बात नहीं प्रीति, हाँ कहाँ से आया? यूपी। हाँ सुनो, बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिल रही है, कोई भी है उसको ब्लेसिंग मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रीति, क्या नाम है बेटे? प्रीति। माइक कर उसके सामने, हाँ क्या नाम है? जोर की जो जाओ इधर से, हाँ क्या? सीता कुमारी। सीता कुमारी, सुनीता कुमारी, हाँ आपके लिए तो मुंगेरी लाल आएंगे। मैंने कहा प्रीति कौन है? आजा इसके पास जोड़ के आजा शाबाश, हाँ क्या नाम है बेटे आपका? प्रीति। प्रीति जी, बेटा होगा आपको। आमीन। मेरे हाथ के तर देख, और जो आपको बेटा नहीं होना, कम आउट, बाहर आ जा, चलो इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुले, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। देखो हम हीलिंग मीटिंग तो हर बार करते हैं, लेकिन मंगलवार को हम भविष्यवाणी सभा रखेंगे, आपके बीच में आएंगे और बताएंगे आपको। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको हबड़ा धबड़ी नहीं करना, जहाँ पर बिठाया जाए वहाँ बैठना है, क्योंकि उस दिन भीड़ ज़्यादा होगी। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है प्रभु का आत्मा काम करेगा, बेटा हो रहा है, फिर से कह रहा हूँ प्रीति, बेटा हो रहा है, बेटा हो रहा है, तीन बार बोल रहा हूँ, ब्लेसिंग मिल रही है। राहेल कौन है? राहेल, राहेल ऐसे किसी को बोलते हैं? राहेल बाइबल के अकॉर्डिंग बोलता हूँ, इसका नाम राहेल, समझ में आ रहा है? आपके बीच में जो भी है कोई राहेल, और समय कोई मुझे सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय बोल रहा, हाँ राहेल, माइक लेके जाओ उसके पास, दौड़ के जाओ शाबाश, हाँ हाँ, फिर से अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, यार आता यार मेरा यीशु, मेरा गदार मेरा यीशु, प्रभु जी जिन्होंने बीज बोए हैं परमेश्वर ने आशीर्वाद देता हूँ, ये 100 गुना बढ़े आज से यीशु के नाम में। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? राहेल। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह, यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। हाँ राहेल, सुनो राहेल, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटे बैठ जाओ वाइट सूट, हाँ सुनो राहेल, आप जहाँ से भी आए हो परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो परमेश्वर सुनता जरूर है, लेकिन लेकिन तेरे को एक दुख होता है कि परमेश्वर मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वो सुनता नहीं है। आई एम राइट? यस यू आर राइट। ये सबकी कहानी है, लेकिन आपकी कहानी कुछ अलग है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला अभी कि अभी इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको ऐसा लगता है कि आपका हस्बैंड रॉन्ग रिलेशन में है। यस आई एम राइट या
इज़राइल, इज़राइल में क्या है? क्या आप इज़राइल, इज़राइल क्या है? इज़राइल जाना चाहते हैं? इज़राइल मैं जाके आई, 14 साल रुक के आई। हालेलुया। यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। बोलो यीशु मसीह की। जब आप यहाँ आते हैं तो उस समय अपने मन को शुद्ध करके आओ। नहीं होता तो वचन सुनने के बाद शुद्ध हो जाता आदमी, समझ रहे हैं? वचन सुनने के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपको 6 दिन के बाद 7वें दिन कंपलसरी है चर्च में आना। आपको बुलाया जाता है ब्रांचों में आना, समझ रहे हैं? हाँ बहन, आपसे बात कर रहा हूँ। अरे कहाँ गए भाई? अगर चलो दिख रहे हैं, जूम कर इसको। ए लड़की हट जा सामने से, जूम कर इसे। हाँ अब सुनो, खिचड़ी नहीं खाई है, हाथ कांप रहे तेरे। सुनो, ऐसे स्टिचिंग, स्टिचिंग का काम कौन करता है? स्टिचिंग या कोई खोलना चाहता है, स्टिचिंग का काम समझ रहे? स्टिचिंग समझते हैं? हाँ, समझ। सूट स्टिचिंग, हाँ। कपड़े का काम कोई, हाँ। सोच रहा है मैं कर लूं, कोई ऐसा प्लान कर रहा है, नहीं कर रहा है तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी कि परमेश्वर कोई कपड़े के काम में आपको ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। उधार नहीं करना बस, समझ रहे हैं? एक स्वर्गदूत आएगा और आपके आपके फोन पर फोन करेगा, एंजल होगा वो। मैंने क्या बताया आपको? एंजल किसी, एंजल किसी मनुष्य के अंदर होकर काम करेगा। सुन रहे हो? मनुष्य के अंदर होकर काम करते हैं कई बार। आपके लास्ट में ऐसे कोई 01 नंबर किसका है? मोबाइल में है प्रोफेसर। यार सुनो, हाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है? आगे है कि लास्ट में? लास्ट में। क्या क्या नंबर लास्ट में? 01। जोर से यारा था यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। सुनो, आपको फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है सोनिया के लिए प्रार्थना करना आपने, और इसी समय एक सोनू नाम के लिए, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जानते हैं उसको, और इसी समय आपकी फैमिली के लोग जानते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है हस्बैंड पर, आप पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तोड़ दिया उसको यीशु मसीह के नाम में, वो टूट रहा है आपसे। कह रहा है जितने दिन आपने आंसू के साथ बाए हैं, जो आप रो रो कर दुखी होकर करेंगे, और इसी समय आपका फायदा उठाया, आपका पैसा, आपका सब कुछ ले लिया, और आपने मेहनत किया और आपने दिया 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 और वो घन चक्कर इधर उधर हो गया। लाइव तो नहीं देख रहा वो? अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास पावर है यीशु मसीह के नाम में, मेरी प्रार्थना में पावर है, मुझे विश्वास है। बताएं उसको कि नहीं, पावर है यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हो तो, आप चाहते हो तो, मैं चाहती हूं। आप अपने हाथों को उठाओ, चाहते हो? अपने हाथों को उठाओ, ये सुपर नेचुरल पावर आपके हाथों पर आ जाए यीशु के नाम में, आपकी जुबान में पावर आ जाए, आप प्रार्थना करने वाले बने, आपके हाथों में पावर आ जाए, आपके हाथों में पावर आ जाए, और हर शैतानी ताकतें इसी समय चीर हो जाए, काट देता हूं, शून्य करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। नीचे करो हाथ और इसी समय सुनो, अपने हाथों को उठाओ मेरी बहन, दोनों हाथों को उठा ले राहेल। हाँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जो घर आप नहीं बना पाए एक जगह पर, परमेश्वर का आत्मा कर वहां से हटाकर मैं कहीं और जगह आपको घर देना चाहता हूँ, और इसी समय आपको मांगना है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और इसी समय रास्ते खोल रहा है यूट्रस में, कहता है और लेफ्ट साइड में किसी को पेन होता है, इधर प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा कि पेट के स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, और इसी समय एक बैक पेन कर, कभी कभी बढ़ता है वो, कभी कभी बढ़ता है। आई एम राइट? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहीं से अभी इसी समय वचन के बाद आप टोटल ए टू जेड शुद्ध हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो रहे हो, आपके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर मैं आपका पास्ट बता रहा हूँ, पिछला बता रहा हूँ, तो अगले की चिंता ना करो, बस आमीन बोलते चले जाओ।
समझ रहे हैं, यहाँ पर आकर लोग ऐसी गवाही नहीं देते हैं कि नेपाल से आए, उसको बोला कि जा तुझे आशीष मिलेगा, तेरा बेटा गया बाहर, हांगकांग से आई उसको भी बोला था, अपॉइंटमेंट लिया था इसने मेरे से, मैंने कहा था जा तेरा बेटा गया और यूके और चला गया, आशीष मिल रही है, वीजा आ गया। अब आपको सुनने परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे हाथ पर बिजनेस की आशीष दूंगा आज से ईश्वर के नाम में, तेरे हाथों पर आशीर्वाद होगा, तेरा घर फिर से बसाया जाएगा, पवित्र आत्मा वापिस लाएगा, हर चीज तेरे लिए परमेश्वर आज खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, अभी इसी समय मैं उसको तोड़ता हूं तेरे सिर के ऊपर से, निकल रहा बाहर, कम आउट, निकल जा, इसके सिर से इसी समय तोड़ देता हूं मैं, शैतान में तेरे कामों को नाश करता हूं, भाग इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, और एंजल आज से तेरा पीछा करें, तेरे हाथों पर आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं, प्रभु की महिमा करें। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों। ढोलकी मैंने बोला है, जरा फटाफट दिखा, प्रेयर करनी है। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे ईश्वर के नाम में। आइए हम वचन में सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं इनके जीवन में आज आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आपको सुनना है, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन प्रेयर सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं जिनके नाम GNRSPBLVK से हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि नवंबर के बाद से आपके लिए डोर खुलेंगे, आपकी रजिस्ट्रियां, आप नए नए काम बनते देखेंगे इस मसीह के नाम में, आप अपनी रजिस्ट्री में आप आशीष को देखेंगे, जो रजिस्ट्री नहीं हो रही, किसी का घर मुझे दिखाया नहीं बन रहा, लोन क्लियर नहीं हो रहा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि सब काम खुलेंगे नवंबर के बाद आपके, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दो यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शमन, आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, याकूब की पत्री 3:2 निकालेंगे सब जल्दी से। हो सकता है आज आप में से कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो कामयाब ना हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कई बार कामयाब होने ना होने के पीछे हमारे मुंह के शब्द होते हैं, हमारे मुंह के शब्द होते हैं जो हमें कामयाब होने से रोक लेते हैं, जो हमें कई बार बीमारियों से कह रहे कि चंगा नहीं होता, तो कह रहे कि वो रुकावट कई बार मनुष्य खुद बन जाता है। आपने, मैंने बहुत बार लोगों को इस वचन से बताया है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ही मुंह के शब्दों के कारण कि अपने परिवार के लिए रुकावट हैं, अपने बिजनेस के लिए रुकावट हैं, अपनी चंगाई के लिए रुकावट हैं, वो लोग जो वचन को सुन रहे हैं ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि प्रॉफिट जी जल्दी से मिले और हम घर जाएं, लेकिन मुझे आपको आशीष दिलाने से पहले परमेश्वर के वचन को सुनाना जरूरी है, क्योंकि जब वचन को सुनते हैं तो उसके बाद कह रहे कि हर एक मनुष्य शुद्ध हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहे कि अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुने, परमेश्वर का आत्मा याकूब की किताब, और इसी समय याकूब की किताब 3:2 बोला मैंने, हाँ, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके मुंह के शब्द नेगेटिव होते हैं, बहुत बार हमारे मुंह के शब्द हमें फंसा देते हैं और कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों के द्वारा काम करता है। याद रखना, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के द्वारा भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, उसने आपके आपका मुंह बनाया है, उसने आपको बनाया है। याद रखो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बस अपने विचारों को सही करना है, अपनी आत्मा को सही करना है, अपने अपने सोच को, उसका नजरिया बदलना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मुंह के शब्दों को सही करना है, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी धूली पे से उठाकर ऊंचाई पर खड़ा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं जीरो को हीरो बना सकता है मेरा परमेश्वर, लेकिन अगर आपके मुंह के शब्द अच्छे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप मत्ती 18:18 पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन बहुत बार हम लोग अपने मुंह को खुद बांध लेते हैं, अपनी आशीष को खुद बांध लेते हैं, क्योंकि मत्ती 18:18 में लिखा कह रहा है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अगर आज आपका मन खुला, मैं कह रहा हूं आपके विचार खुले, तो पवित्र आत्मा खोलना चाहता है। इसका मतलब कि इस धरती पर जो आपने मुंह से निकाल दिया नेगेटिव, तो आपने अपने आप को बांध लिया। आपने अगर पॉजिटिव बोल दिया तो आपने अपने आप को खोल लिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं यीशु मसीह में वो सामर्थ है, कह रहे हैं कि एक बच्चा भी यीशु मसीह के नाम से आपको खोल सकता है। अगर आपको बिजनेस बंद पड़ा है, बंधन में है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि खोल सकता है। लेकिन वो है आपके विचार, वो है आपका मुंह, कहता है कि आपके शब्द कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आज लोग कॉमिक्स को पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें शुद्ध करता चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं करते तो मुसीबतों में फंसते हैं, लेकिन अगर आज आप सही करें तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं, आज रात के बाद वो बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति, मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ, बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बनोगे आप। लेकिन आपकी माँ ने कहा होगा चल तू तो गधा है गधा ही रहेगा, आपके बाप ने कहा होगा तू गधा है गधा ही रहेगा, लेकिन आज इस पादरी ने कहा है, आपको प्रॉफिट ने कहा है, आप बहुत बड़े आदमी बनोगे यीशु के नाम में। आमीन। आप बहुत तरक्की करोगे यीशु के नाम में। यस। आप सक्सेसफुल जीवन जियोगे। आमीन। आप जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। आमीन। आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां आशीष आएंगी। आमीन बोलने वाले आज। आमीन। आपकी समझ में आया, कह रहे कि आपके ऊपर इतने सारे आशीर्वाद हैं आपको पता ही नहीं है। और इसी समय कनाडा ब्रांच में, यूएसए ब्रांच में, जहाँ जहाँ भी, फिजी ब्रांच में, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आज केक काट रहे हैं। और इसी समय आज मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग केक काट रहे हैं, और इसी समय जोर से ताड़ी बजाएं शाबाश। यस हालेलुया। आवाज खोल दे आवाज। आवाज खोल दे। और इसी समय देखो लोग अपने घर से बैठकर भी प्रार्थना करते हैं, लोग जगह जगह से ऑनलाइन, आज बहुत सारे लोगों ने बर्थडे मनाया। आवाज आ रही है, खोलो शमश। जय मसीह दी। हाँ जी हाँ जी, जोर से ताड़ी बजाएं शाबाश। हाँ जी, कोई टेस्ट में नहीं है, दे फटाफट शाबाश। हाँ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुना कुछ? अच्छा अच्छा ये घर के साथ ब्लेस हुए, जॉब के साथ ब्लेस हुए, जोर से ताड़ी बजाएं शाबाश। हालेलुया। हा 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 हा, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो शमा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहे हैं, जॉब मिल रही है, और लोग कह रहे हैं कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। हमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा कनाडा से जो लोग देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर के घर में पवित्र आत्मा आज से बेदारी आने पाए, परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आने पाए, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ बना रहे पवित्र आत्मा जी, और सच में ये लोग तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग देता हूँ, बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें। आप वचन को सुने, आपकी जिंदगी में काम होगा आज।
प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु के नाम में। जो केक काट रहे हैं उनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च में केक काटो और खाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे याकूब की किताब 3:2। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसकी बात ठीक रहा। हाँ ध्यान से सुने कि बाइबल बताती है कि सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं, दो तरीके। अगर आप मेरी बात को सुनकर अगर आप लिख रहे हैं तो आप आशीष पा रहे हैं। पहला तरीका लिखे हुए पर विश्वास करना है। जब आप लिखे हुए पर विश्वास करते हैं बाइबल के अंदर तो आप तरक्की करेंगे, हमेशा तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहा, जो यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, जो इस समय यहोवा के दिखाए रास्ते पर चलते हैं वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आप कहीं से भी आए हो, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि बाइबल बता